여기까지 왔다. 우리의 시작점이자 우리가 여기까지 올수 있게 해준 동력이다라고 얘기를 드릴 수 있을 तो दुनिया के सबसे बड़े के-पॉप आइडल्स BTS और उनकी कंपनी को हमेशा फैंस ने एज अ फैमिली एक परिवार की तरह देखा है, स्पेशली BTS के सातों मेंबर्स को। और आज फैंस के लिए ये सोच पाना भी किसी भयानक सपने से कम नहीं, उनके फेवरेट के-पॉप आइडल्स यानी सातों मेंबर्स एक साथ नहीं होंगे। जो प्लानट का सबसे बड़ा बैंड है BTS, वो डिसबैंड हो जाएगा। इस तरह की बात एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हाईलाइट बनी हुई है, फैंस के बीच डिबेट का टॉपिक बनी हुई है, जिसके बाद फैंस की धड़कनें रुकी हुई हैं कि आखिरकार हाइव और BTS के बीच ये सब क्या चल रहा है, कि सच में दुनिया का सबसे बड़ा बैंड डिसबैंड हो जाएगा, क्या बिगिट और BTS के बीच की तनातनी फाइट बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। और आखिरकार हाइव ने पब्लिश की इस नई रिपोर्ट में BTS को लेकर अपने आने वाले फ्यूचर प्लान्स को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। तो जिन लोगों को अभी भी ये मुद्दा समझ नहीं आया, उन्हें बता दूं कि कल BTS की कंपनी बिगिट ने यानी उनके CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी चीज़ें रिवील की, बहुत सारे प्लान्स रिवील किए, क्योंकि BTS के 3 महीने का यानी 1 क्वार्टर का फाइनेंशियल रिपोर्ट आउट हुआ था, जिसमें शॉकिंगली हाइब के क्वार्टरली प्रॉफिट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछले साल के कंपैरिजन में हाइब पूरा 25% नीचे आ गया, जो कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी को लेकर कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इसी दौरान CFO ने ये बातें रिवील की, जिसमें सबसे पहली थी BTS के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जिसमें ये बताया गया कि BTS के कॉन्ट्रैक्ट का टाइम 2025 नवंबर तक है, जिसके बाद BTS को ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइम 7 से 8 साल होता है। फिर CFO ने ये भी बताया कि वो कुछ BTS मेंबर्स के साथ 2025-26 की एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कुछ कमबैक के बाद किया जाएगा, जिसके बाद ये क्लेम किया जा रहा है कि कुछ मेंबर्स ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना किया है, इसीलिए ये सारी प्लानिंग हो रही है। इसके बाद अगले पॉइंट में ये क्लेम किया गया कि हाइव अब पूरी तरह BTS पर रेवेन्यू के लिए, पैसों के लिए रिलाई नहीं करेगी। उसका मतलब है अब बाकी ग्रुप्स पर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर टाइम और खर्चा किया जाएगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे, सोलो एक्टिविटीज़ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर BTS के कमबैक के बाद काम किया जाएगा। सबसे बड़ा और आखिरी पॉइंट कि BTS के कमबैक के बाद हर मेंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है, कि उन्हें रिन्यू करना है कि नहीं, या फिर वो अगले एक्टिविटीज़ को किस तरह चुनना चाहते हैं। इसका मतलब है बहुत कुछ हाइप के अंदर फिलहाल चल रहा है, स्पेशली जब से इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई है, और अब फैंस के बीच BTS के कमबैक को लेकर भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अब देखना यह है हाइप इस पर क्या डिसीजन लेता है, लेकिन तब तक आप लोगों को इसे लेकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।